तो अभी फिलहाल मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ गुड न्यूज़ आप सबके लिए और लद्दाख करगिल वालों के लिए, करगिल वालों के लिए गुड न्यूज़। बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं और बहुत डिमांड आ रही थी कि सेठी भाई एक बार करगिल लद्दाख आ जाओ, एक विजिट कर लो। मतलब साल में तो एक बार मैं जाता ही जाता हूँ, पिछले साल भी गया, उससे पहले भी गया, साल में एक बार जाता हूँ। तो आज मैंने सोचा आज टाइम अच्छा है क्योंकि गाड़ी अभी गोरखपुर पहुँच गई, तो मतलब वो भी 3-4-5 दिन में वापस आ जाएगी। तब तक मैंने सोचा घूम के आएंगे लद्दाख, ताकि मतलब वहाँ के भी बहुत सारे लोग ने जो मैसेजेस कमेंट्स कर रहे हैं कि सेठी भाई एक बार लद्दाख भी आ जाओ, और अपना शौक भी था जाने का क्योंकि उधर ना यार सीन ही बहुत अच्छा है और आज गोजला पास में बहुत बर्फ़ है। मैंने सोचा वो सब आपके साथ भी शेयर कर लेते क्योंकि यहाँ की इस साइड की भी ट्रैकिंग थोड़ा आप सबके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि इस साइड हम ज़्यादा आते नहीं, आपको पता ही होगा, पर यहाँ के जो गाड़ी है ना, यहाँ के गाड़ी ना बहुत सारे चलते हैं। ओके, तो फिलहाल अपना सफ़र स्टार्ट हो गया, अभी अपना वीडियो स्टार्ट हो रहा है कंगन से। अभी पीछे आपको गाड़ी नज़र आ रही है, दो गाड़ी है, और अपने बंधु से भी मैं आपको मिलाऊंगा जो कि मेरे साथ है। तो गाड़ी का नंबर भी आप याद रख लो, JK02BT2452। तो गाड़ी में अभी लोड है, जो गैस सिलेंडर होता है वही लोड है, दो गाड़ी हम एक साथ है। तो उसके बाद में आपको अपनी वायु से मिलाऊँगा, उसी के साथ हम यहाँ से निकलते जल्दी से जल्दी, क्योंकि जल्दी से जल्दी सोनामार्ग पहुँचे जहाँ पे कार्रवाई होती है। यहाँ भी ऐसी कार्रवाई लग जाती है जैसे जो हमारे काजीगुंड, जखानी, उधमपुर उस साइड में कार्रवाई लगती है, वैसे यहाँ पे भी लगती है क्योंकि जो जोजला पास है वहाँ पे सिंगल गाड़ी जाता है और काफ़ी बर्फ़ है, उसकी वजह से डबल गाड़ी पार वहाँ पर मतलब करना मुश्किल होता है। ओके, मैं आपको अपने बंधु से मिलाऊँगा उसके बाद। यावर भाई आ जाओ, सबसे पहले मैं आपको अपने भाई से मिलाऊँगा, यावर भाई। तो बट यावर व्लॉग इस भाई के चैनल का नाम है, तो जाके भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना। भाई जो है ना डेली इसी रोड पे चलता है जम्मू तो ले। ओके, उसके बाद और एक भाई है, आ जाओ भाई, सबके साथ मिलाना। क्या नाम है आपका? हनीफ। भाई का नाम हनीफ है। भाई कहाँ रहते हो? मैं इधर सुंबल में रहता हूँ। सुंबल में रहता हूँ। और एक भाई है हमारे साथ, पहले उससे भी मिलाते, इधर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अथर अब्बास। भाई का नाम, आप कहाँ रहते हो? खोर शेराबाद। तो उसके बाद और एक बंदा हमारे साथ, आ जाओ भाई, जो कि यावर भाई के साथ। क्या नाम है भाई? रेहान भाई। भाई का नाम रेहान है। भाई आप कह रहे थे वेरीनाग, वेरीनाग में। और यावर भाई और रेहान भाई एक साथ चलती है, और ये दो साथ चलती, उसके बाद रहा मैं और मेरे साथ दानिश भाई है। ओके, आपने देख लिया सारा टीम कितने बंदे, 2-4-5-6 बंदे हम टोटल। निकलते यहाँ से जल्दी और करते अपनी स्टार्ट। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और यावर भाई के चैनल को, पेज को फॉलो जरूर करके जाना। मेरा तो किस्मत ही ख़राब है, मुझे ऐसा लग रहा है यार, मतलब आप ऐसा समझो अभी मैंने अपना सफ़र स्टार्ट नहीं किया था, तो सुनने में ये जा रहा है 3 दिन के लिए लद्दाख का जो रोड है वो बंद है। तो अब क्या करें, आगे नहीं छोड़ते, अब हम अंदर वाले रास्ते से निकल के आए। अभी हम पहुंच गए कुलन, वो अपनी दोनों गाड़ी वहाँ पर खड़ी कर दी साइड में। तो यहाँ पर क्रिकेट का ग्राउंड भी है, यहाँ पर बच्चे ना क्रिकेट खेल रहे हैं, उसी के साथ साथ टाइम भी बहुत हो गया यार। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे खाना खाएंगे, फिर यहाँ पे रुकेंगे, देखेंगे, कोशिश कर लेंगे सोनामार्ग पहुँचने की, क्योंकि वहाँ पे सारी गाड़ियाँ खड़ी होती है, मतलब नाका लगा होता है ग्राउंड में, हम कोशिश कर रहे हैं वहाँ तक पहुँचने की। ओके, चलो फिलहाल हम खाना खाते हैं, टाइम भी काफ़ी हो गया, भूख भी काफ़ी लगी। और यहाँ से आप सीन देखो, नज़ारा देखो, कितना प्यारा मौसम है, पर इस साइड से ना मुझे लग रहा है ज़्यादा ठंड होती है। ठीक है, तो आगे जो जोजला पास है वहाँ पे स्नो की वजह से रोड ब्लॉक है, इसलिए बोल रहे हैं कि 3 दिन के लिए रास्ता बंद है। अब देख सकते हो यहाँ पे हम बैठ के अच्छे से खाएंगे, क्योंकि बंदे बहुत हैं ना, गाड़ी में नहीं आएंगे। अभी हम यहाँ पे इसलिए रुके, इसलिए बैठे, अभी खाना चल रहा है। उसी के साथ साथ आप नज़ारा देखो, सीन देखो, कितना अच्छा है, कितना प्यारा मौसम है। तो
गए थे गुंड मार्केट में, क्योंकि यार क्या ही बोले, मेरा फोन जो है ना वो आज फिर से खराब हो गया, वो पानी में चला गया, उसकी वजह से उसकी जो चार्जिंग है ना वो काम नहीं कर रहा। तो आप लोगों ने अभी वो क्लिप जो देखी है, हम बस में गए थे, वहाँ से वापस आ गए क्योंकि वहाँ पे रिपेयरिंग का कोई मतलब मैकेनिक नहीं था। तो अब हमने यहीं पे इसको थोड़ा पेट्रोल वगैरह डाल दिया, चार्जिंग पॉइंट ने बिल्कुल काम करना छोड़ दिया था। तो अभी भी हम यहीं पे, अभी टाइम आ गया दिन के 4:30, अभी भी हम यहीं कुलन में। तो अब हम सोच रहे हैं आगे आगे थोड़ा जाएंगे, तो वैसे तो आपको पता ही होगा 3 दिन के लिए रास्ता अभी फिलहाल बंद है, अभी गाड़ी रखने नहीं देते। ओके, थोड़ा हम आगे से चलते हैं, वहीं पे रुकते हैं, पर कोशिश यही है, हम सोच रहे हैं हम सोनामर्ग पहुंच जाएंगे, वो ठीक रहेगा। अभी हम थोड़ा सा चल के आए यहाँ पे, अपना शहनशाह खड़ा कर दिया, तो यहाँ पे अपना एक भाई मिला जिसका होटल है, रेस्टोरेंट है, यहाँ से अब चाय पी के निकलेंगे, क्योंकि वैसे तो हमें रुकना ही है आगे, मतलब गगनगढ़ से आगे फिर भी नहीं छोड़ते हैं ना। तो उसी के साथ साथ सोनामर्ग भी मतलब गाड़ियाँ खड़ी है, वहाँ से भी नहीं छोड़ते, तो हम चाय पीते और चाय पी के निकल जाते हैं, धीरे धीरे चले गए। वैसे तो भाई का जो खलासी है वो अभी कटिंग करने के लिए गया है वहाँ ही कोलन में, अब उसका ही थोड़ा वेट कर लेंगे यहाँ पे, तब तक हम अपना चाय पिएंगे। और फ़ोन ना यार पानी में चला गया, फिर से आज ख़राब हो गया, अब थोड़ा उसको ब्रश वगैरह मैंने कर दिया और थोड़ा वॉश भी कर दिया, तो अब चार्ज वगैरह अच्छे से हो रहा है। तो कोई गारंटी नहीं है, मुझे लग रहा है अभी डर है कि कहीं बैठने जाए रास्ते में, बड़ा पंगा होता है यार, क्योंकि उसमें इतने कॉन्टैक्ट है और बाकी जो भी है मतलब उसी में है सब कुछ। अभी टाइम आ गया शाम के 10, तो आपको पता ही होगा जो कि मैं सुबह से ही आपको बोल रहा था कि अभी फिलहाल जो जोजला का रास्ता है वो 3 दिन के लिए बंद किया गया है। तो अभी फिलहाल हम रुके हैं गगनगढ़ के इलाके में, अपनी गाड़ी जो है ना यहीं पे खड़ी है, क्योंकि इससे आगे छोड़ते नहीं है, और इससे आगे जाने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है आपको पता ही होगा, जितना हम आगे जाएगा उतना हमें ठंड भी बहुत होगी आगे सोनामर्ग में, क्योंकि वहाँ तो कल से बहुत बर्फ़ हुआ है, उसी बर्फ़ की वजह से अभी वहाँ पर रास्ता बंद है। तो चलो अभी फ़िलहाल यहीं पर गाड़ी है, तो अभी हम रूम पर आए, अपना खाना वाना सब कुछ हो गया, तो अब बस हम इस प्यारे से ब्लॉग को भी यहीं पर एंड करते हैं। अभी हम रूम में सोने के लिए आ गए, क्योंकि गाड़ी में भी हम आ सकते हैं, क्योंकि जो साथ वाली गाड़ी और एक थी उसमें 2 बंदे थे, और हम 4 3 3 बंदे करके एडजस्ट हो जाते हम, और अच्छे से हम सोते हैं वहाँ पे। चलो फिर यहाँ पे अपने कुछ भाई मिले, उन लोगों ने बोला आप हमारे रूम पर आ जाओ, तो मैंने सोचा ये भी बेस्ट रहेगा, हम यहीं पर सोएंगे और वो जो भाई दो है यावर भाई और उसका खलासी वो गाड़ी में ही सोएंगे, क्योंकि क्या बोल रहे हैं गाड़ी जो है ना वो भी यहीं रोड पे है, ये जो होटल है ये उसी के साथ है बिल्कुल,
उसके नज़दीक ही है। तो अब बस हम इस प्यारे से ब्लॉग को भी यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप सबको मेरा ये ब्लॉग वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट में। तब तक के लिए सबको अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, लव यू फैमिली, बाय बाय, गुड नाइट।